छत्तीसगढ़ में हमने छत्तीसगढ़ के एक्चुअली वहाँ पे क्राइसिस क्या है और वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। छत्तीसगढ़ जैसे हम सभी लोग जानते हैं एक नया स्टेट है। 2000 में जब तीन नए स्टेट्स भारत में क्रिएट किए गए थे, झारखंड, उत्तराखंड जिसको उस समय उत्तरांचल कहा गया, और छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट्स आए। और इन तीनों स्टेट्स में झारखंड में लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि झारखंड की जनजातियाँ और वहाँ का कल्चरल लाइफ, उसमें कुछ विशेषताएँ हैं, और एक बड़े बिहार के अंदर ये उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वहाँ के लोगों का, वो हासिल करना संभव नहीं है। तो अलग राज्य की मांग वहाँ पे लंबे समय से उठ रहा था। छत्तीसगढ़ में इस तरीके का कुछ कोई मांग नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ कल्चरली बहुत ही एक अलग प्रांत था। छत्तीसगढ़ जब मैं गई तो सबसे पहले जो मुझे जो जिस बात को मुझे अट्रैक्ट किया वहाँ के प्रति, जबलपुर में मैं देखती थी कि औरतें सड़क पर निकलती हैं इतनी लंबी घूंघट करती है, घरों के अंदर के जो माहौल है उसमें इतना अनडेमोक्रेटिक माहौल में औरतें रहती हैं नॉर्थ इंडिया में, बुंदेलखंड में। छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, खास करके छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ, जहाँ पे शंकर गुहा नियोगी का काम का इलाका था, जहाँ पे बहुत मजबूत मजदूर आंदोलन था, वहाँ पे जितना स्ट्रेंथ मैंने औरतों में देखा, कोई पर्दा प्रथा नहीं, औरतें काम कर रही थी, यूनियन में काम कर रही थी, खदानों में काम कर रही थी, कल्चरल टीम में गाने गा रही थी, नाटकों में भूमिका अदा कर रही थी, सर वेरी स्ट्रांग वुमन। और मुझे लगा कि अगर कहीं रहना है, कहीं काम करना है तो ये बड़ा सुंदर जगह होगा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ से मुझे इश्क हुआ, और वो इश्क आज भी है। आज भी मैं रोती हूँ कई बार, जो मैंने खोया है, जो वहाँ पे हमारे लॉसेस हुए हैं, जो सारा मतलब पिछले 3-4 साल में जो हमने झेला है, लेकिन बावजूद इसके मेरा इश्क बरकरार है। छत्तीसगढ़ ऑल्सो हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री, बहुत ही एक समृद्ध इतिहास पीपल्स मूवमेंट्स का और पीपल्स रेजिस्टेंस का। छत्तीसगढ़ में एक तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जो थे, जो सरकारें थी, वो आम जनता के जीवन से दूर थे, तो काफ़ी हद तक लोग खुद डिसीशन लेते थे कि हमें कैसे जीना है या किस तरीके का हम गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स चाहते हैं। और जब जब ऐसा मौका आया कि सरकारों ने दबाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा नियंत्रण को बढ़ाने की कोशिश की, छत्तीसगढ़ में लोगों ने रेजिस्ट किया। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे जो आदिवासी बेल्ट है मध्य भारत का, जिसमें झारखंड भी आता है, पश्चिमी उड़ीसा का भी क्षेत्र आता है, महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका मिलता जुलता है, और बहुत सारे ऐसे आंदोलन की यादें हम संजो के रखे हैं। टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि माइनिंग का स्ट्रक्चर वहाँ पे ये था कि जो टेक्निकल काम थे, सो कॉल्ड जो ऑफिशियल कामगार थे वहाँ के, जिनको रेगुलर नौकरियाँ थी, वो सारे छत्तीसगढ़ के बाहर से आए हुए लोग थे, जिनको तथाकथित टेक्निकल एजुकेशन था, जिन्होंने ITI पास कर रखा था। छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग नहीं थे, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी थे या गैर आदिवासी थे, खेतीहर मजदूर थे, वो खदानों में काम करने आए थे, अकाल से अपने गांव में जब अकाल हुआ तो वहाँ से भाग के वो आए, पर उनको वो एज मैनुअल मजदूर, अपने हाथों से काम करने वाले पुरुष और महिला, और उनको ठेकेदारी पद्धति के तहत काम करना पड़ा। पर शुरू से उस मूवमेंट में एक आवाज़ जो उठी वो है कि हमारे जैसे देश में, जहाँ पे पीपल आर आवर स्ट्रेंथ, जहाँ पे जनसंख्या हमारी ताकत है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हाथ हैं जो काम करना चाहते हैं, वहाँ पे हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन क्या सही होगा। हम बड़ी मशीन लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेकनाइज करें माइनिंग के प्रक्रिया को, या हम कुछ ऐसे पद्धति को चुनें इसमें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार हासिल हो सके। और यूनियन की तरफ से एक प्रारूप जो पेश किया गया, जो कि सेमी मेकनाइजेशन का था, कि जो बहुत सारे खतरे के काम थे वो मशीन के द्वारा या रिमोट टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाए, और जो काम लोगों को रोज़गार दे सके वो काम लोग अपने हाथों से करें, और जिसमें रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगे। तो इस तरीके की बहस और इस तरीके की जनपक्षीय डेवलपमेंट की बहुत सारी मिसाल छत्तीसगढ़ में है। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उस पर डिटेल में जाएं, लेकिन सन 2000 में जब नया छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब ये बहुत स्पष्ट हो गया कि ये नया राज्य एक ग्लोबलाइजेशन, मतलब नई आर्थिक नीतियाँ जो उस समय लागू की जा रही थी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के संदर्भ में बना, क्योंकि नए राज्य बनने के बाद हम सबकी अपेक्षा थी कि जो लोग छत्तीसगढ़ में
विकास के काम में या डेवलपमेंट के काम में या जन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो विकास का प्रारूप क्या होगा, हमारे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा, कौन से डिसीशन हमें अपनाने चाहिए, उसको उस पर एक सहमति बनाने में ये सारे लोगों की एक भूमिका होगी। लेकिन बहुत जल्दी हमको समझ में आया कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राइस वाटरहाउस कूपर्स जैसे कंपनी, जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, विजन छत्तीसगढ़ 2010 का जो डॉक्यूमेंट बना, जिसमें नए राज्य में क्या होगा, किस तरीके की नीतियाँ अपनाई जाएगी, उस पर सरकारी प्रारूप बना, दैट वॉज मेड बाय प्राइस वाटरहाउस कूपर। और उसके बाद लगातार जब पॉलिसीज वहाँ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स निकल के आए कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति क्या होगी, उसमें कोई सेमी मैकेनाइजेशन का बात नहीं था, कोई रोजगार की बातें नहीं थी, बात ये थी कि यहाँ के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कैसे हो पाएगा, बड़ी कंपनियों को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा, उनके इन्वेस्टमेंट का कैसे स्वागत किया जाएगा, और उनके लिए कैसे रास्ते को आसान बनाया जाएगा, किस तरीके के कंसेशंस उनको देने की ज़रूरत है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ एनर्जी पॉलिसी जो थी वो भी इसी प्रकार से थी। तो सारे जो नीति के जो प्रारूप निकल कर आए वो सब कहीं ना कहीं हमको प्राइवेटाइजेशन के रास्ते में ले जा रहे थे, और बहुत लोगों को सोचना पड़ा उस समय कि वास्तव में जो नया छत्तीसगढ़ बनने वाला है वो जो हमारे सपने का छत्तीसगढ़ है वो बन रहा है या कुछ और बन रहा है। छत्तीसगढ़ धीरे धीरे हमारे सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ बनाया वो कुछ और ही था, और इसमें प्राइवेटाइजेशन, इसमें लैंड एक्विजिशन, ज़मीन का अधिग्रहण करना, ये सारी प्रक्रियाएँ 2000 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2004 के बाद ये ज़्यादा प्रखर हुए। जब नया स्टेट बना तब मुझे याद है कि जब पहले चीफ मिनिस्टर अपना शपथ ले रहे थे, उनका एक भाषण था, अजीत जोगी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ देश में सबसे समृद्ध प्रांत है, द रिचेस्ट स्टेट विद द पुअरेस्ट पीपल, सबसे समृद्ध प्रांत है, सबसे अमीर धरती है, पर यहाँ के लोग सबसे गरीब हैं, क्योंकि अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, इन सारे मामलों में छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ था। और शुरू में कई लोगों ने स्वागत किया था नए स्टेट का, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भोपाल जाना, एक स्कूल टीचर अंबिकापुर में, उसको अगर अपना ट्रांसफ़र कराना है या ट्रांसफ़र रद्द कराना है तो उसको भोपाल तक जाना पड़ेगा, मतलब 16 घंटे की जर्नी बाय रेल, और वहाँ पे काम करा के फिर लौटना पड़ेगा, ये बड़ा नामुमकिन था, बड़ा कठिन था। तो गवर्नेंस हमारे दरवाजे पे आ गया, रायपुर इतना दूर नहीं है किसी भी जगह से, तो शुरू में लगा कि हमारा ज़िंदगी आसान होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और 2003-04 से जो विसंगतियाँ वहाँ पर उभर के आने लगी, नए नए इंडस्ट्रीज आने लगे, और लार्ज पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, बहुत सारा इलाका है जो कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत ट्राइबल एरियाज, जहाँ पे 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि उन इलाकों में अगर कोई विकास की योजना आए तो वो आम सहमति के आधार पर ही आ सकता है, ग्राम सभा को सहमति, ग्राम सभा से सहमति लिए बिना वहाँ पे कोई भी विकास का काम नहीं हो सकता। तो बस्तर के इलाके में जब SR के प्लांट के लिए या टाटा के प्लांट के लिए लोहांडीगुड़ा में जब ज़मीन ली जाने लगी, ग्राम सभाएं बिठाई गई, लेकिन ये ग्राम सभा नहीं थी, ये सरकारी ग्राम सभाएं थी, जहाँ पे कलेक्टर होता था, जहाँ पे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, गांव के लोगों के ना हम ज़मीन नहीं देंगे कहने के बावजूद सहमतियाँ फोर्ज की जाती थी। एक इंसिडेंट मैं बताऊँ कि धुरली और भांसी दो गाँव हैं जहाँ पे SR के लिए ज़मीन ली जा रही थी, 3 बार ग्राम सभा ने लैंड एक्विजिशन के प्रस्तावों को रिजेक्ट किया, 3 बार के बाद जब सरकार को और कंपनी को भी ये समझ में आया कि लोग हाँ नहीं कहने वाले हैं, तब उन्होंने पूरे गांव में धारा 144 लगा दी। धारा 144 में किसी प्रकार की सभा, ग्राम सभा भूल जाइए, 5 लोग इकट्ठा नहीं आ सकते हैं, और लोग अपने घर के अंदर कैद थे, हर घर के दरवाजे पर पुलिस और आर्म फोर्सेस को लगा दिया गया। उसके बाद जो ग्राम सभा की पंचायत की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और ज़िला प्रशासन के अधिकारी, जिला पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, एक एक करके लोगों को अपने घरों से लाया गया और उनके अंगूठा वहाँ पे जबरन रजिस्टर में लगवाया गया, और ये ऐलान कर दिया गया कि ग्राम सभा ने सहमति दे दी, लैंड एक्विजिशन हो गया। तो जिस तरीके का ये प्रोसेस सारा चला,
सलवा जुड़ूम के प्रक्रिया को भी अभय ने भी, नीरज ने भी उसके बारे में बताया, अभय ने भी थोड़ा सा जिक्र किया, शायद विनायक भी इसके बारे में बोलेंगे। सलवा जुड़ूम को समझने के लिए ये बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है कि नए स्टेट को और नए स्टेट के राजसत्ता को लगा कि हम ज़मीन इकट्ठा करें, हम रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज करें। प्राइवेटाइजेशन का जो माहौल था उसमें हम ये सारे संसाधन प्राइवेट हाथों में सौंप दें। जिंदल एक बहुत बड़े और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है हमारे स्टेट के, जिंदल ने जिस तरीके से काम किया, उन्होंने पानी जैसे संसाधन को, पानी को प्राइवेटाइज किया। एक रावो नाम की नदी है, रावो पे एक डैम बनाया और आसपास के जो गांव के किसान थे जिन्होंने सदियों से अपनी खेती उस पानी के सहारे किया, ओवरनाइट उनको जिंदल को टैक्स देके ही वो वहाँ से पानी ले सकते हैं क्योंकि सारा पानी जिंदल के प्लांट के लिए आरक्षित हो गया। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ होने लगी और एक पोलराइजेशन की स्थिति विकास को लेकर एक मतलब ये दोनों बिल्कुल विपरीत धाराएं हैं कि एक तरफ जनपक्षीय विकास जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को काम मिल सके और दूसरा एक ऐसी विकास की कल्पना जिसमें बड़ी से बड़ी कंपनियाँ आए और डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज हो, भले लोग वहाँ से माइग्रेट करके काम के लिए दूसरे जगहों में चले जाएँ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे चीज़ों में उनको काम करना पड़े। बस्तर में एक एडेड कॉम्प्लिकेशन है जिसके चलते सलवा जुड़ूम नामक मूवमेंट को सरकार ने पैदा किया और वो है वहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। उसका बहाना लेके सरकार ने आदिवासियों के हाथ में बंदूकें दी और आदिवासी समाज जो कि अपने एकजुटता के आधार पर बहुत सारे संकट, बहुत सारे हमले जो उन पर हुए सदियों से हुए, अपने एकजुटता के आधार पर उन्होंने उन संकटों को पार किया। लेकिन अब वो सोसाइटी डिवाइडेड है क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों के हाथ में बंदूकें दी और कुछ लोगों के ऊपर ये ठप्पा लगाया कि आप माओवादी सपोर्टर्स हैं, जैसे कि विनायक के ऊपर ये ठप्पा है कि वो राजद्रोही हैं। तो मैनी आदिवासीज, मैनी विलेजेस, उन पर ये ठप्पा है कि वो माओवादी सपोर्टर्स हैं। तो जो माओवादी सपोर्टिंग विलेजेस हैं उनको वहाँ से उठा लिया गया। सलवा जुड़ूम बिकेम अ वायलेंट मूवमेंट, वो गए गाँव के गाँव उन्होंने खाली करवाया और लोगों को रेफ्यूजी कैंप्स में, रिलीफ कैंप्स कहा जाता है, उनमें ले जाया गया। मैं खुद 2005-2006 के बाद उस इलाके में नहीं गई हूँ लेकिन 2006 में मुझे याद है कि उन कैंप्स में जो मायूसी का एक माहौल था क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, औरतों के पास अपने जिस्म बेचने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कई बार अपने परिवारों को उसी के सहारे पालती हैं, किसको जिस्म बेचेंगी वो ये सारे फोर्सेस को, क्योंकि माओवादी के कंट्रोल के लिए वहाँ पे नागा फोर्सेस, मिजो फोर्सेस, आईआरबी बटालियंस इन सबको लाया गया। तो एक अजीब टाइप का 4-5 साल के अंतराल में अजीब टाइप का एक मिलिटराइज्ड माहौल बन गया और डेवलपमेंट के डिबेट को सिंप्लीफाई करके सरकार के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया कि जो भी कोई भी किसी प्रकार का सवाल उठाता है वो माओवादी है या उनका सपोर्टर है या आप सरकार की गुणगान करते हैं, सरकारी विकास की नीति का समर्थन करते हैं, तो आप जनपक्षीय हैं, आप देशप्रेमी हैं,